पिछले एक हफ्ते से राजनीति की भेंट चढ़ चुके कोविड सेंटर का आखिरकार शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर में जिले के प्रभारी मंत्री एवं सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया। दीनदयाल उपाध्याय कोविड केयर सेंटर में 10 बेड, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन व 5 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ प्रभारी मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल भिरोजिया, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर SDM एकता जायसवाल, तहसीलदार सपना शर्मा, नायब तहसीलदार मृदुला सचवानी, BMO राकेश सिंह जाटवा, CMO संजय चौधरी, थाना प्रभारी राघवेंद्र कुशवा आदि मौजूद थे। प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह मार्गदोन के लिए सौगात है, अब मरीजों को तराना या उज्जैन नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि अपना आयुष्मान कार्ड जल्द से जल्द बनवा ले। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने शासकीय के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसके माध्यम के सभी कोरोना इलाज मुफ्त कर दिया है। सांसद फिरोजिया ने कहा कि शासन की ओर से सभी गरीबों को 5 माह का राशन दिया जा रहा है, इसमें BPL कूपन के अलावा भी सभी गरीब इसका लाभ उठा सकते हैं। 18+ के युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर तत्काल वैक्सीन लगवा लें। पिछले दिनों से चले आ रहे राजनीतिक उठापटक पर फिरोजिया ने कहा कि मेरे विधायक रहते तराना विधानसभा में शिवराज सिंह से मंजूर करवाए, कार्य अभी तक जारी है, चाहे पुलिया हो या नर्मदा का पानी या चहुओं सड़कों का जाल। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष पप्पू सिंह चंद्रावत, जिला मंत्री नाहर सिंह, महामंत्री अरुण गामी, संजय जैन, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष दिलीप गामी, गोकुल मिस्त्री वासुदेव गामी, अर्जुन पवार आदि मौजूद थे। मार्गडोन से रणित परमार की रिपोर्ट। देखिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आग्रह लगातार है कि हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार विकसित करते जाएं। मुझे इस बात का संतोष है कि उज्जैन जिले में हमारे लिए सभी तहसीलों में करीबन हमने हर स्थान पे अपने लिए ऑक्सीजन बेड का साधन उपलब्ध कराए। माफरोन जैसी जगह पर आज अब 10 ऑक्सीजन बेड का यहाँ हमने प्रारंभ किया हॉस्पिटल। उसके पीछे भाव ये है कि यहाँ जो भी मरीज है, जहाँ भी है, प्रत्येक मरीज को योग्य तरीके से इलाज उपचार की व्यवस्था मिल जाए, और इस आधार पर प्रत्येक जान की कीमत है। किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है, और शासन के लिए इसी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर एक संतोष भी व्यक्त हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मात्र 15 दिन के अंदर लगभग आज की स्थिति में हम 100 बेड के आसपास तराना तहसील में पहुँच गए। मैं अब जिस ढंग का माहौल बना है, सौगात दी गई, बहुत समय से माफरोन के सभी लोगों की मांग थी कि यहाँ पे कोविड सेंटर प्रारंभ होना चाहिए। पहले हम आए थे SDM मैडम प्रभारी मंत्री के साथ, हम देख गए थे, चिन्हित कर गए थे और व्यवस्था जुटाने का किए गए थे, और आज हम यहाँ आए हैं इसका उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पहले 10 बिस्तर से हम कोविड सेंटर चालू करेंगे, 5 हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे दी है, 5 हमने ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिए हैं, और भी कुछ लगेगा वो सब देंगे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि तहसील के गांव के लोग तहसील में इलाज कराएं, तो उनका ये जो सौगात है वो आज ये जनता को हम दे रहे हैं, ताकि लोग घबराएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि उज्जैन तक जाने में परेशानी भी होती है, परिवार भी परेशान होता है और मरीज भी परेशान होता है। अब उसको सब व्यवस्था यहाँ दे दी, डॉक्टर की टीम आ गई, सब लोग की यहाँ टीम आ गई है, और व्यवस्थित इलाज चालू हो जाए। भाई साहब, 2 दिन से जो ड्रामा चल रहा था उसके बारे में कुछ ड्रामा देखो, एक बात बता दूँ, पिछले 5 साल पहले मैं यहाँ पे, पिछले 13-14 से मैं यहाँ पे विधायक रहा। जो भी पूरे तराना तहसील में विकास है, ये मेरे द्वारा, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा हुआ है। जितने भी पुलिया बन रहे हैं वो भी हमने दी। नर्मदा लाइन का ये बोला गया था कि मैंने भी आपको